रियली हैव नो आइडिया मेकर्स ऐसा कैसे कर लेते हैं. मतलब विशाल पांडे को आज किस तरीके से बैश किया गया, कैरेक्टर असैसिनेट किया गया, किस तरीके से टारगेट किया गया. विशाल पांडे और सना मकबूल दोनों को ही बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए. विशाल और सना मकबूल के रिश्तों को लेकर, उनकी दोस्तियों को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें की गई. तो बहुत ज़्यादा वीकेंड का वार के एपिसोड को देखकर जो है वो मेरे अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है मेकर्स के प्रति, क्योंकि भाई हर साल हम यही देखते हैं, हर साल बिग बॉस की वही कहानी है. कुछ कंटेस्टेंट्स को पकड़ लेंगे, जो कंटेस्टेंट कुछ करते हुए बिग बॉस के घर में नज़र आ रहे हैं और जो आउटशाइन कर रहे हैं, बस उनको जो है पूरे हफ्ते दर हफ्ते उन्हीं को ही बैश करते रहेंगे, हफ्ते दर हफ्ते उन्हीं की ही क्लास लगाते रहेंगे. विशाल पांडे को आज पूरा कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया. वो बेचारा बोलता रहा कि मैंने उस इंटेंशन से नहीं बोला. पायल ने आके उस पर इतना गलत इल्ज़ाम लगा दिया, इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया. मतलब उसके घर वाले भी बिग बॉस देखते हैं, ये तो लग भूल ही गए हैं. मतलब भाई उसके भी मम्मी पापा हैं जो बिग बॉस के घर में देख रहे हैं उसको. भाई वो कहाँ पर उसकी बैड इंटेंशंस लगी जब उसने कृतिका के बारे में बोला, यार कहाँ बैड इंटेंशंस लगी. हमें एज एन ऑडियंस नहीं नज़र आया कि विशाल जो है वो कृतिका के लिए उस वे में बोल रहा है. उसने भाभी माँ तक बोला हुआ है एक बार कृतिका को, आखिर कैसे वो बंदा बैड इंटेंशन के साथ बोल सकता. उसने खुद ये बात बोली कि भाई मैंने कान में इसलिए बोला था ताकि कुछ गलत वे मतलब नहीं निकाला जाए मेरी इस बात का, जो मैं बात बहुत ही प्योरिटी से बोल रहा हूँ. वाकई में उसके चेहरे पर वो प्योरिटी वाला एक्सप्रेशन था. पायल मलिक ने आज जाकर, जो खुद एक हफ्ता पहले इविक्ट हो चुकी हैं, आज जाकर ज़बरदस्ती का ही एक मुद्दा बना लिया. घर के अंदर तो उन्होंने मुद्दे उठाए नहीं, लेकिन जब वो बाहर आ गई तो बेफालतू में उन्होंने ये जो मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश करी है, ये जो मुद्दा बनाने की कोशिश करी है, मेरी तो समझ से परे रहा कि पायल मलिक यहाँ पर करना क्या चाह रही थी. जितने सवाल उन्होंने आज विशाल के ऊपर उठा दिए, काश उतने सवाल उन्होंने अरमान मलिक से पूछे होते जब वो कृतिका जो पायल की पहले फ्रेंड थी उसकी तरफ ऐसे बैड इंटेंशन से ऐसे चक्कर चला रहे थे. काश उस वक्त थोड़ा सा पायल जी आपने सवाल उठा लिए होते. आप इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो भी थी, आप इंडिपेंडेंट बन सकती थी अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेती, लेकिन आपने आसान तरीके को अपनाया. आपने वो तरीके को अपनाया जहाँ पर आपको जो है पूरे ज़िंदगी भर के दुख दर्द जो है अपने मन में दबा के रखने, छुपा के रखने, घर किसी को बताती भी नहीं है आप अपने दुख और दर्द के बारे में. जो लोग आपके लिए सिंपथी दिखा रहे हैं, जो लोग आपके लिए अच्छा बोल रहे हैं, उनको आकर तो आपने बाहर बैश कर दिया. अरमान और कृतिका को आप सपोर्ट कर रही हैं थ्रू आउट. तो भाई यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि विशाल पांडे का फालतू में करेक्टर असैसिनेट किया गया, सना मकबूल को फालतू में फ्रेंडशिप के लिए फेकनेस की दुकान और ये सारी चीज़ें बोली गई. जबकि अगर वो कृतिका को भी नॉमिनेट कर देती और नेजी को सेव कर लेती तो बोला जाता कि भाई कृतिका आपकी दोस्त थी, आपने कृतिका को कैसे नॉमिनेट कर दिया. तो भाई हर चीज़ हर तरफ चित भी मेरी पट भी मेरी ऐसा नहीं होता. और मेकर्स हमेशा डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी रखते हैं अपने रवैये में, और आज भी एपिसोड में नजर आया. इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए.